दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। और ये भैया हो गया असेंबल। सिर्फ 10 सेकंड दोस्तों, 10 सेकंड में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक बड़े से बड़ा बॉक्स असेंबल होकर बन जाता है आपका मॉड्यूलर किचन। दोस्तों ये ड्रॉवर भी आपके घर में होगा, ये कटलरी ड्रॉवर है, बताऊंगा आपको आगे किस मटेरियल का बनना चाहिए। ये देखिए, ये भी ड्रॉवर आपके घर में ज़रूर होगा। वाह भाई वाह, शानदार ज़बरदस्त ड्रॉवर। ये देखिए, ये भी ड्रॉवर ज़रूर होगा आपके घर में। ये देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये देखिए ये भी ड्रॉवर आपके घर में ज़रूर होगा या आप बनवाने की सोच रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये देखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों ये ड्रॉवर आप किस मटेरियल के बनवाएंगे और कौन सा मटेरियल आपके किचन के हिसाब से सही रहेगा, कौन सा मटेरियल सस्ता होगा, कौन सा महंगा होगा, और कई सवालों का जवाब आज मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि आज है हमारे साथ दोबारा से विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा की किचन क्लास का दूसरा एपिसोड है आज। विनोद जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली बारी, हम आज बताने वाले हैं मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूलर किचन। इना मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूलर किचन। आप सबके घर में लकड़ी की किचन जरूर होगी और अब हाईटेक होता जा रहा है, स्टेनलेस स्टील आ गया है, लोहा आ गया है, प्लास्टिक आ गया है। ये मैं देसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, इनके टेक्निकल टर्म्स के अभी हम सर से जानेंगे। और लकड़ी में भी बहुत सारी वेराइटीज आ गई हैं। तो आप जो अपने ये ड्रॉर्स बनवा रहे हैं ना, इसका ये वाला जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं या इसके अंदर रखने वाले ये जो ट्रेज आप यूज कर रहे हैं, ये लोहे के होंगे, लकड़ी के होंगे, प्लास्टिक के होंगे, स्टेनलेस स्टील के होंगे, आज ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर, कितने मटेरियल के आपको दिखाता हूँ। मटेरियल देखते हैं, ये पार्टिकल बोर्ड है। शुरुआत जो मॉड्यूलर किचन की हुई वो पार्टिकल बोर्ड से हुई, जो सबसे पहले किचन बने वो पार्टिकल बोर्ड में बने। उसके बाद ये MDF है, ये HDMR अभी मटेरियल आया है, ये वाटरप्रूफ होता है, दीमक वगैरह भी नहीं लगती इसमें। ये WPC है, आप सिंपल लैंग्वेज में प्लास्टिक बोल सकते हैं उसको, प्लास्टिक होता नहीं है, मतलब प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल है, ये WPC बोलते हैं इसे। ये प्लाई है, जो रूटीन में हम लोग घरों में प्लाई बोर्ड जैसे लगाते हैं, ये वो प्लाई है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये रॉ कंडीशन में है सारे, रॉ का मीन्स कि ये जैसे ये होता है वैसा ही है। ये फाइनल कैसा बनता है, ये वाला बॉक्स है, देखिए आप, ये वाला बॉक्स की जो फाइनल लुक आएगी वो ये आएगी। फाइनल लुक क्या है, इसके ऊपर हमने सनमाइका पेस्ट कर दिया है और ये टोटल फैक्ट्री मेड आइटम है, हाथ से पेस्ट नहीं किया हुआ है। जो एजिज हैं इसके, इनके ऊपर ये देखिए एजवाइंडिंग टेप लगी हुई है, ये सील हो गया बॉक्स बिल्कुल। लेकिन अगर ये मटेरियल देखिए, ये वैसे हम इन सबको बोलते हैं कि सिर्फ इसको पार्टिकल बोर्ड को छोड़ के बाकी हम सबको बोलते हैं कि वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पानी में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी अगर इनके ऊपर गिरता रहेगा तो ये कोई भी बक्सा गल सकता है WPC को छोड़ के। आपसे मिलने से पहले मैं मॉड्यूलर किचन के लिए एक शोरूम में गई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था आप इसको डुबो दीजिए और डुबो के छोड़ दीजिए तब भी लगेगा नहीं। देखिए डुबो दीजिए, हम भी बोल देते हैं जी डुबो दीजिए, 72 आवर्स तक डुबो दीजिए इसको। आपने डुबो दिया उसको, आपने उसके ऊपर अभी उसको रॉ कंडीशन में डुबाया है, आप डुबा के उसको बाहर निकालेंगे, 15 दिन के बाद वो फूलेगा ही फूलेगा। देखिए दीमक की जहाँ तक बात है, अगर किसी एरिया में दीमक बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे HDMR का बॉक्स लगाइए, आप वहाँ पे MS का बॉक्स लगाइए। HDMR कौन सा होता है जिसमें दीमक नहीं लगती? हाँ। ये देखिए WPC, ये दोनों ऐसे, इनमें दीमक नहीं लगेगी। साहब ये अगर लोकल लैंग्वेज में बोले, देसी लैंग्वेज में, तो ये लकड़ी ही है फाइन क्वालिटी की। हाँ वो ही बोलिए आप, देसी भाषा में आप यही बोल सकते हैं आप उसको। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, मॉड्यूलर किचन दो तरह के बन रहे हैं, एक फैक्ट्री मेड बन रहा है और एक कारपेंटर मेंटर मेड, तो दोनों में क्या फर्क होता है वो भी हम समझना चाहेंगे। कारपेंटर जो किचन बनाता है वो घर पे आप उसको प्लाई ला के देंगे, बोर्ड ला के देंगे, वो हाथ से ही पेस्ट करेगा उसको, हाथ से ही सारा काम करेगा, काटेगा, उसके बाद वो उसको या तो कील ठोकेगा उसको जोड़ने के लिए, जैसे ही हमने तो मिनी फिक्स से जोड़ा हुआ है ये, अभी हम खोल के दिखाएंगे। हाँ ये पूरन एक बार खोल देना एक बॉक्स, ये भी मिनी फिक्स से जोड़ा हुआ हमने। घर पे क्या होता है, आप इसको कारपेंटर इसको काटता है, काट के इस पर कील ठोकेगा या स्क्रू लगाएगा। अब स्क्रू भी लगाएगा तो जो मेन चीज़ देखने वाली है,
जब वो कारपेंटर उस पर स्क्रू लगा रहा है तो आपको देखना है कि वो उसको हथौड़ी से ठोके नहीं, उसको स्क्रू करे। स्क्रू का क्या मतलब है? स्क्रू का मतलब है स्क्रू। आप उसको स्क्रू करेंगे तभी तो स्ट्रेंथ बनेगी, ठोके नहीं उसको। वो भी आप पहले उसमें जहाँ पे भी वो स्क्रू कर रहा है आप उसको बोलिए कि इसमें डॉवल लगाएगा। डॉवल मतलब पीवीसी गिट्टी, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं पीवीसी की गिट्टी। पीवीसी की गिट्टी लगा के आप उस पर स्क्रू करवाइए, वो चीज़ कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। तो ये बॉक्स मैंने आपको बताया, ये बॉक्स जब लेमिनेट हो जाता है फैक्ट्री मेड आइटम है सारे। तो ये फैक्ट्री मेड बनवाने का क्या फ़ायदा है और वो कैसे बनता है वो भी प्लीज़ बताइए। फ़ायदा है, अब जब ये बॉक्स आता है घर में, ये डिसमेंटल होके आता है हमारे पास, ये सारे पोर्शन अलग अलग होते हैं, इनको मिनी फिक्स से असेंबल करके, मान लीजिए एक 10 फीट बाई 10 फीट की किचन है तो उसको हम 2 दिन में पूरी किचन को बना के असेंबल करके कंप्लीट करके क्लाइंट को हैंड ओवर करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप वही किचन किसी कारपेंटर से बनवाएंगे तो वो 10 से 15 दिन आराम से लगाएगा, क्योंकि वो उसको काटेगा, फिर उसको प्रेस करेगा, उसको प्रेस करके भी कम से कम 2 दिन वेट के नीचे रखना पड़ेगा तभी उसकी प्रेसिंग का फ़ायदा है। अब वो सेम उसी वक्त उसने सनमाइका पेस्ट किया और उसी टाइम काट के लगा दिया तो आप मान के चलिए कि आपकी सनमाइका तो फूलनी फूलनी, आप चाहे कितना भी अच्छा मटेरियल लगा लीजिए। अब आप देखिए ये जो बॉक्स है जो फैक्ट्री से बन के आता है वो किस कंडीशन में आता है और हम कैसे उसको असेंबल करते हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये खोल दे बेटा इसको, पहले डिसमेंटल कर रहे हैं इसको, ये एक एक पार्ट इस तरह से ओपन होके आते हैं। तो लोकल कील से ठोक देते हैं इसीलिए वो लटक जाते हैं बोर्ड। ये 5 पीसेस में है और ये पूरा कंप्लीट एक बॉक्स बन जाता है। ये तो पेज भी अलग तरीके के यूज हुए हैं, बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज। हाँ जी, ये ऐसे आएगा ये बॉक्स और ये इसको हम सिर्फ असेंबल करेंगे आपकी साइट पे आके, कोई काटा पीटी वाला काम नहीं है। बड़े से बड़ा बॉक्स भी सर ऐसा ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वार्डरोब भी कोई होगी, अलमारी भी कोई होगी तो वो भी ऐसे ही असेंबल होगी सारी आके। ये जो मिनी फिक्स वाले पेज हैं क्या ये लोकल कारपेंटर भी खरीद के लगा सकते हैं या ये फैक्ट्री वाली मशीनों के थ्रू लगेंगे तो ही ठीक है? ये लोग आजकल मैनुअल भी इनको लगा रहे हैं, लेकिन मैनुअल ये उतना काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक है कि आपका जो मिनी फिक्स है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो मैनुअल आप उतना उसको नहीं बना सकते हैं। तो ये फैक्ट्री से ही बन के आए तो ज़्यादा अच्छा है। अटैच है इसके अंदर, अटैच करके दिखा बेटा, अटैच करके। इतनी बारीक बातें आज से पहले आई गेस कभी नहीं पता चली होंगी, हमें तो लगता है ड्रॉर बना रहे हैं मतलब उसमें कील ठोकेंगे 4 और लकड़ी चिपकाएंगे बन गया ड्रॉर, बट इस तरह से वो फैक्ट्री मेड भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए आई गेस नया होगा। अब इसको बंद करके दिखाएंगे हम, चलिए। ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा विनोद शर्मा की किचन क्लास में, रविवार को दोपहर 2 बजे लाइव जुड़िए हमारे साथ और थर्सडे को 12 बजे। इंतज़ार कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारे वीडियो आने का। और अब हम इसको असेंबल करने जा रहे हैं विनोद जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो फैक्ट्री से तो इसीलिए वो एग्जैक्टली वैसा ही लगा कि इसको असेंबल करने में कितना टाइम लगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये भैया हो गया असेंबल। सिर्फ 10 सेकंड दोस्तों, 10 सेकंड में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक बड़े से बड़ा बॉक्स असेंबल होकर बन जाता है आपका मॉड्यूलर किचन। अगर आपके पास भी है कोई सवाल मॉड्यूलर किचन से जुड़ा या नॉर्मल किचन से जुड़ा, हमें लिखकर आप कमेंट करके डाल सकते हैं। विनोद सर अवेलेबल है फ़ोन पर, लेकिन 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सिर्फ, और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी काउंसलिंग इनसे ले सकते हैं किचन को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको बताने वाले हैं हम चिमनीज के टाइप्स, कौन सी सस्ती चिमनी है, कौन सी महंगी चिमनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। थैंक यू।